हम चाहते हैं कि वो अपने जैसे बहुत सारे बनाए थे मूवी, अभी उनको भी हमें आगे बढ़ाने, बाकी सबको आगे बड़ी है, क्योंकि एज ऑन 19 रनिंग अभी उसने अपनी जो बहन के एजुकेशन की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि पिताजी छोड़ के गए हैं, तो बहनों के एजुकेशन की जिम्मेदारी माँ गाँव में रहती है, माँ को पैसा देता है और खुद भी सीखने की कोशिश कर रही है, मुझे भी थोड़ा कुछ सीखे और आगे बढ़ना है। पीछे कौन है जी? आइए जी, हमारे पिताजी हैं, उम्र में भी ये भी बहुत छोटी है, लेकिन दो बच्चों की माँ है, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि अभी भी वही सोच है कि बच्चों की शादी करके दे दो तो एक जिम्मेदारी चाहिए, तो हैंडीकैप है हस्बैंड, लेकिन बांध दिया गले में, चल भाई शादी हो गई। आज ऐसे आदमी के साथ संसार करते करते दो बच्चों का एजुकेशन है, यहाँ पे काम करके बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा लगे रहता, बच्चा गया क्या स्कूल, ट्यूशन गया क्या, आया क्या, वगैरह सारी चीज़ें देखती हैं। शाजा जी है, सिंगल पेरेंट है, दो लड़के हैं, इनके इनका तो बड़ा था कि हस्बैंड भाग गए और उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आई, तो भाड़े का भरना है, भाड़ा भरना है, तो काम करके बच्चों का एजुकेशन वगैरह सब फोकस करके अपने आप को संभाल रही है। ये हमारी नुकसान है, शी इज़ ऑल्सो सिंगल पेरेंट, आदमी इतना वो मुभा है कि भाई अच्छा बच्चा बीमार है, चलो मैं ये करके मैडम निकलती हूँ, वो ऐसे आपकी सीयर पीयर नहीं होती है, वो कोई छुट्टी पे ही नहीं जाएगा भले कितना भी प्रॉब्लम हो, वो उनको पता है यहाँ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी तो इतना बर्डन हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ये निपटा हूँ फिर मैं वो थोड़ा निपटा हूँ, मतलब तो ये जंपिंग जैक चलता है। और आप सब इतने लकी हो कि आप सबको एक दूसरे का साथ सपोर्ट, एक सिस्टरहुड है ना, एक दूसरे में इतना प्यार, मैं रोली हूँ कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो इतना अच्छा काम करेगा। दूसरा अपना जो प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट का, तो हमने भी कॉन्सेंट्रेट किया 2022 से, अभी एक टीचर में हम कितने जन को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट, वो व्हाट नेक्स्ट में हमने तो सोचा था कि कुछ ऐसा होगा बच्चों के हाथों में किया जाए जिससे वो आइडर बाहर का भी कुछ कमाए, आइडर अपने घर से कुछ कमाए। दो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए, जिसमें कैमरिंग था और म्यूजिशियन था, तो ये मेरी एक बेटी है अपनी, वो क्या है, बहुत ही स्किल्ड ट्रेनर है, म्यूजिशियन है वो, मेकअप आर्टिस्ट है वो, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था आगे हमारे गरीब बच्चों को अभी थोड़ा सा सपोर्ट करो, मामला कुछ एक्सपेक्ट किए उन्होंने कम से कम अभी तक 110 लड़कियों को म्यूजिशियन का कोर्स दिलवाया था, और उसके बाद बहुत सारी बच्चियाँ जो अपने घर से ही मेकअप का करते थे, भले ठीक है बाहर जाओगे था, और ये एक ऐसी टीम है
जिन्होंने आदर्श का हाथ थामा, और मैं कहूँगी आप वो लोग हो कि जो इन सब चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए हमसे जुड़ेंगे। Thank you.
Thank you.
बाबू हट हट वो भी शुरू ना हो रहा पिछले रहना रूम में होता क्या रूम में होता तुम लोगों को करना तो हमें बुलाया कि मुझे आ गया अच्छा होता है तुम तैयार हो जाते हैं अभी नहीं है बाइक ओ पानी से बात कर बाइक के लिए इस साल
Yeah.